जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती होंगी सभी अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। कश्मीर का 370 धारा तो सभी को याद है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जो पीएम है हमारे, उन्होंने रातों रात काम बजा दिया था। सुबह सुबह उठ के पता चला कि 370 धारा हटा दिया गया, मतलब रातों रात काम बजा दिया था। तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ बोलने वाली हूँ, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। जैसे आपको पता है 370 धारा कश्मीर से हटे हुए लगभग एक साल हो चुका है, इसका एनिवर्सरी भी हम लोगों ने मनाया है। तो एक साल हो चुका है 370 धारा को हटे हुए, पर कुछ लोगों को अभी भी मिर्ची लगी हुई है कि 370 धारा क्यों हटाया गया। तो उस जैसे आप जानते होंगे कश्मीर के एक्स सीएम जो रह चुके आई थिंक सो फारूक अब्दुल्ला, आए दिन वो विवादित बयान देते रहते हैं कश्मीर को लेकर। कभी तो वो पाकिस्तान के रिलेटेड बयान देंगे कश्मीर को लेकर, तो कभी चाइना के रिलेटेड देंगे। तो आपको पता है चाइना और इंडिया का लद्दाख को लेकर बहुत आनाकानी हो रही है ज़मीन को लेकर, तो इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो कश्मीरी है वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते, जो कि सरासर गलत है। ये अकेला नेता डिसीजन या डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन क्या मानता है अपने आप को, कौन क्या नहीं मानता है। कश्मीर के लोगों में इंडिया के लिए जान बचती है, कश्मीर के लोग इंडिया के लिए ही जीते हैं, इंडिया के लिए ही मरते हैं। ये जो पाकिस्तान के आतंकी और चाइना के जो कुछ हरामखोर लोग हैं जो ये सब बातें करते हैं और ये सब बहकाते हैं वहाँ के नौजवानों को, हमारा भारत और हमारे भारत के सरकार कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कश्मीर के वासियों के लिए जो वहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ के लिए पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहन सहन, हर एक चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। पर ये कहता है फारूक अब्दुल्ला कहता है कि कश्मीरी अपने आप को इंडियन नहीं समझते, वो अपने आप को चाइना के वासी समझेंगे, वो बेटर है उनके लिए, बट वो इंडियन नहीं समझते अपने आप को। ये सरासर घटिया सोच है। मैं बताना चाहूँगी कि तुम चाइना के लिए इतना ये करते हो, चाइना के लिए इतना बातें करते हो, चाइना में पता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यूगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? 8,500 मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, उसे बार बना दिया है, डांस नाचने के लिए डांस बार बना दिया है, पब्लिक टॉयलेट बना दिया है। तो शर्म करो, शर्म करो, कश्मीर जन्नत है। अगर आपको दुनिया में जन्नत देखना है तो कश्मीर चले जाइए, और कश्मीर को जहन्नम इन लोगों ने बना के रखा है। और अभी फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं चाइना की मदद से 370 धारा रिकवर करेंगे कश्मीर में, है कि औकात नहीं है कि कश्मीर को या कश्मीर वासियों को कुछ कर सके, उसकी औकात नहीं है। ये नेहरू युग नहीं है, ये मोदी युग है। नेहरू के टाइम पे तुम जीत गए थे, अब की बार मोदी है, खुश के मारेंगे, अपनी औकात में रहे। कश्मीर मानव जाति के लिए और भारत मानव जाति के लिए स्वर्ग है, और हम अपने स्वर्ग को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो चाइना हो, छोड़ेंगे नहीं। और उमर और फारूक अब्दुल्ला को माफ़ी मांगनी होगी, ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।